हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका मेरा इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूँ। ओके, SAP फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग फिको मॉड्यूल। तो आज डे वन के अंदर हम SAP के फुल फॉर्म से हम स्टार्टिंग करेंगे। व्हाट इज़ SAP? SAP क्या होता है? SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वे के अंदर SAP का फुल फॉर्म लिखा हुआ है जो आपको याद रखना है। अगर आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो, आपको कोई पूछ रहा है व्हाट इज़ SAP, तो आपको इसका फुल फॉर्म समझ में आना चाहिए। ओके, जो SAP का सर्वर होता है वो सारी की सारी वर्ल्ड की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे कि L&T कंपनी, GSFC कंपनी, ABB कंपनी, उसके बाद हमारा इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट या फिर पूरे वर्ल्ड का रेलवे डिपार्टमेंट है, बैंकिंग डिपार्टमेंट है, फ्लाइट डिपार्टमेंट है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आती है वो सब SAP का सर्वर यूज़ करता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप L&T कंपनी हो और आप L&T कंपनी के अंदर वन टाइम आपको SAP का सर्वर इंस्टॉल करना होता है, जैसे ही आपने वन टाइम SAP का सर्वर इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद L&T कंपनी की जितनी भी ब्रांच कंपनी होगी, जितनी भी सिस्टर कंपनीज होगी, उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सर्वर बाय नहीं करना पड़ेगा। एक ही सर्वर उन्होंने बाय कर दिया तो सारी की सारी ब्रांच के अंदर, सारी की सारी सिस्टर कंपनीज़ के अंदर वो इजी वे के अंदर एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, ओके। आपका मेन गोल है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एज अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर जॉब करना है, एज अकाउंट या फिर एज अकाउंट्स की पोस्ट के ऊपर आपको वर्क करना है, तो उसके लिए जो मैं चैनल के अंदर सिखाने वाला हूँ SAP के अंदर फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल, वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ ERP? ERP क्या होता है? ERP दैट मीन्स एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, अदरवाइज एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज प्रोग्रामिंग। तो ये फुल फॉर्म के अंदर हमको समझना है सबसे पहले एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर दैट मीन्स कंपनी का मेन बॉस। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है या फिर छोटी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, हर एक कंपनी के अंदर आप देखने के लिए जाओ तो कंपनी का मेन बॉस होता है, जो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं, सबका हैंडलिंग करता है। ओके, देन नेक्स्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट मीन्स हमको समझना है कि कंपनी के जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हिसाब से रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि कंपनी ने कितना परचेस किया, कितना सेल्स किया, कंपनी के अंदर कितना स्टॉक है, कितना रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब कंपनी का रिसोर्सेज रहेगा। कंपनी के पास कितना मिल्कत है, कंपनी का कितना असेट्स है, कंपनी के अंदर कितना मनी पावर है, कंपनी के अंदर कितना एम्प्लॉइज़ है, कंपनी के अंदर कितना स्टाफ है, वो सारा का सारा कंपनी का रिसोर्सेज रहेगा। रिसोर्सेज के हिसाब से कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज, कंपनी का मेन बॉस है, वो रिसोर्स को यूज़ करके प्लानिंग के हिसाब से पूरी की पूरी कंपनी चलाएगा। ठीक है, तो उसका प्लानिंग करने का भी मेन आना चाहिए। जो भी कंपनी का मेन बॉस होता है, कंपनी का ओनर होता है, वो प्लानिंग के हिसाब से पूरी की पूरी कंपनी का हैंडलिंग करेगा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, SAP। SAP इज़ अ यूरोपियन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन दैट मेक्स एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर टू मैनेज बिजनेस ऑपरेशंस एंड कस्टमर रिलेशंस। द कंपनी इज स्पेशली नोन फॉर इट्स ERP सॉफ्टवेयर। SAP इज़ हेडक्वार्टर इन वाल्डॉर्फ जर्मनी विथ रीजनल ऑफिसेस 180 कंट्रीज। यानी SAP के अंदर देखने के लिए जाए तो उसकी मेन जो SAP की हेडक्वार्टर्स की ऑफिस है वो वाल्डॉर्फ जर्मनी के अंदर है, और उसकी ऑफिसेस आप देखो तो 180 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है आज के डेट में। ओके, ओके। देन नेक्स्ट, ये कंपनी का CEO है क्रिश्चियन क्लेन, जो 10th अक्टूबर 2019 से अवेलेबल है। उसके बाद फाउंडेड 1st अप्रैल 1972, जर्मनी के अंदर कंपनी की स्थापना हो चुकी है। कंपनी के हेडक्वार्टर्स है वाल्डॉर्फ जर्मनी के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट, कंपनी के फाउंडर्स लिखा है, टोटल 5 पर्सन ने मिलकर कंपनी की स्थापना की थी। जैसे कि कंपनी के फाउंडर्स के नाम कुछ इस तरह से है, डीटमार होप, हैसो प्लैटनर, क्लॉस वालेनुथा, क्लॉस थीरा एंड हैंस वॉर्नर हेक्टर। ओके, तो ये 5 पर्सन ने मिलकर कंपनी की स्थापना की थी। ओके, ओके। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ SAP? SAP क्या होता है? SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। जो स्टार्टिंग में मैंने फुल फॉर्म समझाया था, एक्सप्लेन किया था, वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट, SAP इज़ अ बिजनेस सॉफ्टवेयर दैट कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द SAP यूज़र। यानी जो SAP का सॉफ्टवेयर है, जो SAP का सर्वर है, वो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी कंपनीज होती है, जो भी कंपनी के रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके हिसाब से ये SAP का सर्वर, पूरा का पूरा SAP का सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, SAP प्रोवाइड्स बोथ फंक्शनल एज वेल एज टेक्निकल मॉड्यूल।
एंड SAP के अंदर दो तरह के मॉड्यूल्स होता है, जैसे कि फंक्शन को आप फंक्शनल बोल सकते हो, फंक्शनल मॉड्यूल एंड टेक्निकल मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट टेक्निकल मॉड्यूल की बात हो रही है। द टेक्निकल मॉड्यूल सच एज एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जिसे हम ABAP बोलता है, दैट हेल्प्स इन जनरेटिंग वेरियस क्वेरीज एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। यानी कि आप बिजनेस के हिसाब से देखने के लिए जाओ तो मल्टीनेशनल कंपनी के हिसाब से जितनी भी क्वेरीज होती है, जितना भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कस्टमाइज करना होता है, तो सारा का सारा वर्क ABAP मॉड्यूल वाले करके देता है, ABAP। ठीक है, तो जो एडवांस बिजनेस एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग के अंदर जो वर्क करते हैं, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर को कस्टमाइजेशंस आपको किस फॉर्मेट के हिसाब से या फिर कि कौन से लुक के हिसाब से आपको उसके अंदर वर्क करना है, वो पूरा का पूरा आपको कस्टमाइजेशन करके देंगे। ABAP के अंदर आपको ये मॉड्यूल सीखना होगा तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ASP.NET है, PHP है, ये सारी की सारी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी तो आपके सॉफ्टवेयर अच्छे से आप सीख पाओगे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट। हाउएवर द फंक्शनल मॉड्यूल सच एज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन SD मॉड्यूल, मटीरियल मैनेजमेंट MM, उसके बाद HR ह्यूमन रिसोर्सेज, देन नेक्स्ट फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग FICO मॉड्यूल एंड प्रोडक्शंस एंड प्लानिंग PP मॉड्यूल आर यूज टू परफॉर्म डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी जितने भी मैंने मॉड्यूल की बाकी की बात की, वो सारे के सारे फंक्शनल मॉड्यूल में आएंगे, वो टेक्निकल मॉड्यूल नहीं आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे मॉड्यूल के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आपके फील्ड के हिसाब के, आपके स्ट्रीम के हिसाब से आपको मॉड्यूल सीखना है। ओके, तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स की बात की, वो सारे के सारे फंक्शनल मॉड्यूल है, और ये सारे के सारे फंक्शनल मॉड्यूल में से मैं जो आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर सिखाने वाला हूँ, वो है FICO, यानी फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट। SAP इज़ बींग यूज इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन टूडे बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू इंटीग्रेट वेरियस एप्लीकेशंस वेयर ईच एप्लीकेशन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक बिजनेस एरिया सच एज अ प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इंटीग्रेशन हेल्प्स इन ईजी ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस, हेल्प इन ऑटोमेटिकली अपडेटिंग द बिजनेस प्रोसेस इन SAP सिस्टम। जो हमारी जो SAP सिस्टम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू काम करेगी, और यहाँ पे आपको एक ब्रांच के अंदर आपने सर्वर इंस्टॉल कर दिया है तो दूसरी ब्रांच के अंदर आपको कुछ भी डेटा मूव करना है, आपको ट्रांसफ़र करना है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, तो SAP के प्रोसेस के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये सारी की सारी प्रोसेस आपको प्लानिंग के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट। SAP provides a common platform for these modules to perform various business activities. The SAP system introduced as an enterprise resources planning, या फिर entrepreneur resources planning, as a software designed to coordinate all the resources and information such as order fulfillment and billing. यानी कि जो SAP के अंदर जो FICO मॉड्यूल हम फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग का सीखने वाले हैं, वो पूरा का पूरा ERP के बेस के ऊपर है, यानी मल्टी टास्क है। एक जगह पे आप सर्वर इंस्टॉल करो तो दूसरी बहुत जगह पे आप सर्वर को यूज़ कर सकते हो, और ये सर्वर को पूरा का पूरा डिज़ाइंस किया हुआ अच्छे से, उसका इंफॉर्मेशन है कि आप आपके आपके फील्ड के हिसाब से प्रॉपर वे के अंदर काम कर सको। ठीक है, ओके, तो आज डे वन के अंदर मैंने आप सबको इतना थियरी एक्सप्लेन किया SAP के बारे में, SAP का इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारी और भी थियरी है जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बीच बीच में आपको लूँगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको थियरी पोर्शन बताऊँगा बीच में, वो है नीड्स ऑफ SAP के नीड्स क्या है, उसके बाद SAP के ड्रॉबैक्स, उसके बाद SAP के फीचर्स, उसके बाद SAP की हिस्ट्री, SAP के अंदर SAP R1, SAP R2, SAP R3 और माय SAP एप्लीकेशन, ये सब क्या है वो मैं आपको बीच में सिखाता रहूँगा। ठीक है, तो ये डे वन की थियरी के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कल से मैं SAP की जो प्रैक्टिकल बैच है वो स्टार्ट करने वाला हूँ डे टू में से, तो SAP के प्रैक्टिकल बैच के अंदर मेरा सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। SAP की जो मेरी प्रैक्टिकल बैच होगी उसका सिलेबस कुछ इस तरह से रहेगा। SAP FICO मॉड्यूल फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक सेटिंग ऑफ FICO, यानी SAP के अंदर जो बेसिक सेटिंग है वो कौन से होता है। चैप्टर के यहाँ पे नंबर लिखे हैं, पर्टिकुलर्स है, और उसका टी कोड, दैट मीन्स हर एक चैप्टर ट्रांजेक्शन्स कोड के हिसाब से होगा। टी कोड दैट मीन्स ट्रांजेक्शन्स कोड। जैसे कि बेसिक सेटिंग की हम बात करें तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 16 चैप्टर में बेसिक सेटिंग के अंदर सिखाने वाला हूँ। देन नेक्स्ट आपको सिखाऊंगा लेजर क्रिएशंस एंड डॉक्यूमेंट जर्नल एंट्रीज, तो उसके टोटल 3 यहाँ पे आप चैप्टर देख सकते हो। उसके बाद है सैम्पल डॉक्यूमेंट,
जिसको हम बोलते हैं मंथ एंड प्रोविजंस। तो मंथ एंडिंग के जो प्रोविजंस आएंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद है अकाउंट्स पेबल का पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल का पूरा प्रोसीजर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद है असेट्स अकाउंट, बिजनेस के अंदर असेट्स किस तरह से बाय करनी है, सेल आउट करनी है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आ जाएगा, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर। उसके बाद SAP के अंदर रिपोर्ट्स कौन से हैं, तो जैसे कि रिपोर्ट्स की हम बात करें, सबसे मेन आप प्रैक्टिकल एज अकाउंट सीखोगे तो अकाउंट के अंदर मेन रिपोर्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट किस तरह से जनरेट करना है वो हम SAP के रिपोर्ट के अंदर सीखने वाले हैं। और उसके बाद SAP के अंदर फिको मॉड्यूल है, तो उसमें GST अभी चल रहा है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे और परचेस एंड सेल्स के इनवॉइस किस तरह से जनरेट करेंगे वो भी मैं आपको इस मेरे SAP के प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर सिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रिएट कंडीशन टाइप सिखाऊंगा, देन नेक्स्ट है क्रिएट अकाउंटिंग की, देन नेक्स्ट डिफाइन टैक्स प्रोसीजर, असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंट्री, क्रिएट टैक्स कोड, क्रिएट जनरल लेजर अकाउंटिंग की। उसके बाद है अकाउंट डिटर्मिनेशन असाइन टू GL अकाउंटिंग की, क्रिएट एंट्रीज़। उसके बाद है परचेस इनवॉइस पोस्टिंग है, हाउ टू व्यू अकाउंट्स वेंडर ट्रांजेक्शंस, और लास्ट है एंटर सेल्स इनवॉइस पोस्टिंग। इसके बाद मैं और भी सिलेबस कुछ ऐड होगा तो मैं ऐड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये मैं जो आपको कल से प्रैक्टिकल बैच स्टार्ट करूँगा वो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, और प्रैक्टिकल बैच स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँगा कि SAP का जो सर्वर होता है वो किस तरह से स्टार्ट और किस तरह से ऑफ़ करना होता है, यानी किस तरह से SAP का सर्वर को हमको चालू करना है, पावर ऑन करना है, पावर ऑफ़ करना है, उसका पूरे का पूरा लेक्चर हो जाएगा। देन आफ्टर हम ये यहाँ से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आप सबको मेरा इस डे वन का लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, जल्दी से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, बाय बाय।